नमस्कार दोस्तों, सुरेंद्र सिंह ब्लॉग वीडियो पर आप सभी का स्वागत है जी। तो ये अपने आज फार्म में शाम के वक्त ब्लॉग बना रहे हैं जी। शाम के वक्त ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो जो ये वर्ड है इनको फीड देने के लिए ये गट्टा रख रखा है हम लोगों ने, तो इनको खोलते हैं जी अपने। और तो व्यूअर्स, ये अपने गट्टा खोलते हैं और फीड देते हैं जी इनको। एक गट्टा एक टाइम का फीड जो लग जाता है। ये देखो पूरे जानवर एकदम गोल घेरे पर घूम रहे हैं। ये देखो व्यूअर्स कैसे ये पूरे ऊपर से पूरे फार्म में राउंड 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 घूम रहे हैं, क्योंकि फीड का इनका हो गया जी टाइम। जो सुबह फीड पाया था वो बिल्कुल इनके पेट से ख़त्म हो गया, पच गया, और अब फीड के लिए ये उतावले होए जा रहे हैं। ये देखो कैसे ये सब राउंड में घूम रहे हैं कि हमें पहले फीड मिल जाए, हमें पहले फीड मिल जाए। तो व्यूअर्स आप इसकी ग्रोथ चेक करो जी, और कमेंट में ये ज़रूर बताओ कि कैसी ये ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यू डेली वीडियो आ रही है। तो आप लोग भी हमारी तरह आप भी देख रहे हो डेली भी कैसे ये ग्रोथ कर रहे हैं ना। तो व्यूअर्स कमेंट में ज़रूर बताओ ग्रोथ आपको कैसी लग रही है, अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं या कम ग्रोथ कर रहे हैं। तो कमेंट आप ज़रूर करा करो व्यूअर्स। तो ये देखो डबल एफ जी के हैं ये, कुछ तो इधर गट्टे के ऊपर ही आकर बैठ गए हैं कि ऊपर से गट्टा खोलकर हम लोग फीड जाएंगे खा। बाकी भी वेट कर रहे हैं। अगर एक आधा घंटा फीड का गट्टा फार्म के अंदर रख दिया जाए जी, मुझे लग रहा है ये यहीं फाड़ फूड़ कर खा जाए सारे गट्टे को। तो ऊपर से वो राउंड वाला काम अभी भी चल रहा है, घूम रहे हैं। तो व्यूअर्स जी अपने डक के जो बच्चे हैं इनको फीड डाल दिया है। तो इनके अब पंख है जो नेचुरल पंख है वो आना स्टार्ट हो गए हैं जी। ये देखो जी अपना वो वाइट और खाकी वाला बच्चा, इसकी वजह दूसरों के भी नेचुरल पंख है जो आना स्टार्ट हो गए हैं। तो दो चार दिन तक इनको अपने बड़ी डक के साथ पानी का जो है वो खड्डा उसमें छोड़ देंगे जी, पानी के खड्डे में बड़ी डक के साथ छोड़ देंगे। और ये वाली मुर्गियां वो पानी पी रही हैं जो बाहर छोड़ी हुई है। तो इनको पानी और फीड डाल दिया है, शाम का वक्त है। तो दोस्तों यहाँ पर अपने बच्चों को छोड़ देंगे जी उनके साथ में बड़ी डक। जब इसमें पानी में ये स्विमिंग करेंगी तो आपको अपने ब्लॉग वीडियो जरूर दिखाएंगे किस हिसाब से वो डक के बच्चे हैं जो पानी में तैरेंगे। और टर्की जहाँ पर आकर खड़े हुए हैं अपना फीड वगैरह खाने के बाद में, ये देखो कैसे स्विमिंग कर रहे हैं आराम से। इनकी स्विमिंग में स्पीड काफ़ी अच्छी है। और एक टर्की की फीमेल वो पानी पी रही है जी अंदर आकर। तो ये टर्की की फीमेल इधर घूम रही है दोस्तों, और इधर ये अपने कुछ डक का है जो अभी भी फीड खा रही है। फीड काफ़ी पड़ा है अभी भी, और ज़्यादातर मुर्गियां अंदर फीड खाने के लिए चली गई है दोस्तों, फार्म के अंदर चली गई है ज़्यादातर। तो ये देखो व्यूअर्स ज़्यादातर मुर्गी ये देखो सब अंदर आकर बैठी हुई है, ये सारी अंदर बैठी है ज़्यादातर। तो ये देखो एक पेड़ के ऊपर आराम से कड़कनाथ फीड दाना अपना खाकर ये देखो आराम कर रहा है, कैसे ऊपर चढ़कर बैठा हुआ है। ये बार बार भी घूम रहे हैं, बार पानी लगा रखा है, फीड लगा रखा है इनको, ये अंदर बैठे हुए कड़कनाथ। कड़कनाथ की ग्रोथ दोस्तों अब दिन प्रतिदिन ये बड़े ही हो रहे हैं, जैसे ये फीड खा रहे हैं और इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है। जैसे अपने व्यूअर्स कुछ मुर्गे और कुछ मुर्गियों की टांगों पर हम लोगों ने क्या है रस्सी बांध रखी है जी। ये देखो आप जैसे ये जा रहा है मुर्गा वो ब्लैक वाला, तो उनकी टांगों पर क्या रस्सी बांध रखी है। तो इनको हम लोग पालेंगे अंडों के लिए, और इनसे ब्रीडिंग लेंगे आगे आगे फ्यूचर में, इनसे ब्रीडिंग लेंगे और उनके बच्चे हैं जो वो भी आपको दिखाएंगे कैसे निकलते हैं। ये देखो व्यूअर्स रस्सी बांध रखी है, रस्सी दिख रही होगी आपको पैरों में। तो ये सिलेक्टेड पीस है 15-20 जिसको ब्रीडिंग के लिए ब्रीडिंग के पर्पज पर पालेंगे। तो दोस्तों अपने धूप बड़ी खतरनाक तरीके की निकली है, बहुत ही साफ, और इसका कलर देखो आप, ये देखो कि जैसे किसी तरीके की अपने एडिटिंग की हो,
ऐसा कलर धूप का आ रहा है, आपके वहां भी मौसम ऐसा ही हुआ है क्या नहीं हुआ है, आप कमेंट बताना। शाम के 7 बजे हुए हैं, ये देखो व्यूअर्स, ये देखो धूप का कलर देखो आप। तो इस साइड अपने वीडियो बनाते हैं तो कैमरे का जो इतना है वो फोकस ही नहीं आने देता है सूरज इस हिसाब से। पूरा दिन अब आज धूप नहीं निकली है, लेकिन अब जो धूप निकली है ये आप पेड़ पर आपको दिख रही होगी और फार्म पर दिख रही होगी, जैसे कोई लाइट हो बल्ब जगा रखा हो, बल्ब भी बड़े वाला बल्ब मरकरी की तरह हो, ऐसे चानन हो रहा है जी। तो कमेंट में आप बताना आपके भी ऐसी धूप निकली है या हमारे इधर हनुमानगढ़ में ही ऐसी धूप है।